दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड कप 2019 में। क्या इंडिया को पाकिस्तान से खेलना चाहिए, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, जहाँ पर कई दिग्गज जो है वो अपना जवाब दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मामले में सर सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ये कहा है कि इंडिया को जो है पाकिस्तान के साथ जो मैच होने वाला है वर्ल्ड कप 2019 में, उसे जो है वो बायकॉट कर देना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने भी इस मामले में एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि इंडिया जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराते हुए आ रही है, और यहां पर टीम इंडिया के पास एक और मौका है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया जाए। यानी उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान से खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2019 में, और उन्हें हराना चाहिए। इनके बाद उन्होंने कहा कि अगर उनकी पर्सनली माने तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा अगर टीम इंडिया इस मैच को बायकॉट कर देती है और पाकिस्तान को जो है फ्री में 2 पॉइंट दे देती है, जो कि उनकी मदद करेगा सेमीफाइनल में जाने में। और एंड में दोस्तों उन्होंने लिखा कि देश जो है वो हमेशा पहले आता है, इंडिया उनके लिए हमेशा पहले आता है, और जो भी फैसला लिया जाएगा उसको वो पूरी तरीके से बैक करेंगे। यानी जो भी फैसला यहाँ पर गवर्नमेंट लेगी उसका पूरा तरीके से समर्थन करेंगे सचिन तेंदुलकर सर। लेकिन उनका मानना जो है वो ये कि इंडिया को खेलना चाहिए पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हराना चाहिए। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, हम सभी क्रिकेटर की आपको बता रहे हैं कि किसकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं कि इंडिया को खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।